दोस्तों, आज एक ऐसे बिजनेस की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं जिसके बारे में आज तक मैंने आपसे बात नहीं की है। एक शानदार, एक नया बिजनेस के बारे में, एक ऐसा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का एक ऐसा रेंज जिसकी ज़रूरत आपको हर घर में दिखाई देती है, हर व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो आज मैं इसी बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। हर दिन की अगर कमाई की बात करूँ तो आप 2000 से लेकर 3000 रुपये तक की अर्निंग बहुत आराम से इस कारोबार में करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक फाइबर के बिजनेस के बारे में। ये फाइबर का बिजनेस क्या है, प्लास्टिक का बिजनेस क्या है, पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि चेयर, आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइजेस में अगर चेयर लेते हैं तो आपको तकरीबन 200, 250, 300, 500 तक में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के चेयर्स मिल जाएंगे। होलसेल प्राइस में बता रहा हूँ। इंडियामार्ट.com पर जाकर आप सर्च कीजिएगा कि प्लास्टिक चेयर्स डीलर्स, प्लास्टिक स्टूल्स डीलर्स, तो वहाँ से आपको बहुत सारे डीलर्स मिल जाएंगे। वहाँ पर जब जाइएगा तो 250, 300, 350, 500 आपको इस प्रकार से चेयर प्राप्त हो जाएगा। इतना में आप 200 के चेयर को 300, 350, 400 में बहुत आराम से बेच सकते हैं। निश्चित रूप से ग्राहक खरीदेंगे, इतना भी नहीं कि वो टूट जाता है, बहुत शानदार क्वालिटी का होता है। उसके बाद जो 500 का चेयर है उसको 700, 800, 1000 तक में आप आराम से बेच सकते हैं। यानी आप डबल मुनाफा तो बना सकते हैं, डेढ़ गुना, दो गुना मुनाफा तो बना ही सकते हैं। मैं दोस्तों अगर स्टूल की बात बताऊं तो आप 100 रुपये तक में, 150 रुपये तक में देखे होइएगा कि स्टूल बिक रहा है। जिसको आप मुनाफा की बात बताऊं दोस्तों, तो आप उसको 100 रुपये मुनाफा पर लेकर के 200 रुपये में, 250 रुपये में स्टूल को बेच सकते हैं। ये होलसेल में आपने अगर 100 रुपये, 150 रुपये में खरीदा हुआ है तो। उसके बाद अगर मैं मचिया की बात करूँ, जो नीचे बैठने के लिए 4-5 पैरों का जो मचिया आता है उसकी बात करूँ, तो उस पर भी आप 60 रुपये, 50 रुपये मुनाफा बना सकते हैं। यानी 100 रुपये में अगर मचिया खरीदा है आपने तो 150, 200 में उसको आराम से बेच सकते हैं। प्लास्टिक का टब है, बाल्टी है, मग है, चम्मच स्टैंड है, फाइबर के रैक हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, साबुनदानी है, बाथरूम के अंदर 2-3 खंड का जो रैक आता है, सब्जी रखने के लिए जो फाइबर का जो रैक आता है, सब प्रकार के बिजनेस है दोस्तों। प्रोडक्ट है, इसको लेकर आइए, डेली यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट है। आज की वीडियो बहुत छोटी बन के रह जाने वाली है। आप मान के चलिए कि जब बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कुर्सी हो गया, राउंड टेबल हो गया फाइबर का, इस सब पे आप आराम से 200-300 रुपये बचा सकते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट का आप नीचे प्राइस कम करते जाएगा, छोटा प्रोडक्ट होता जाएगा, वैसे ही आपके जो प्रॉफिट है वो भी कम होता जाता है। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आपके सेलिंग पे कोई असर नहीं पड़ती है दोस्तों। 300 की बचत, 200 की बचत, 250 की, 150 की, 70, 50, 60, कुल मिला के बचत करते करते हर दिन अगर आप सोचेंगे तो 2000, 3000 रुपए तक की बचत कर पाएंगे। दुकान जहां भी लोग डाले हुए हैं अच्छा खासा सेल कर पा रहे हैं। देखते हुए अगर गाँव में क्या होता है कि बाइक ले लेते हैं, पीछे लंबा पूरा चेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के पूरा लंबा लाइन लगा लेते हैं, चेयर रख लेते हैं, चल देते हैं सेल करने। बोलते हैं कि 500 में जोड़ा खरीदिए, 600 में जोड़ा, 1000 में जोड़ा। उनको बचत आप मान के चलिए कि 200-300 मिनिमम बचत तो 100% हो रही है। अभी वो क्या कर रहे हैं, 200 रुपये भी बचा रहे हैं और आपको अगर चेयर बेच दे रहे हैं, कुर्सी बेच दे रहे हैं, 500 रुपये जोड़ा तो मुझे लगता है कि वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी भी तकरीबन 1000 रुपये, 800 रुपये जोड़े के हिसाब से कुर्सियाँ मार्केट में बिक रही है। 300 रुपये अगर एक को माने तो 600 रुपये जोड़े के हिसाब से बिक रही है। जिसको खरीदने में 200 रुपये मुनाफा तो निश्चित रूप से है। 200 रुपये में खरीद रहा है, 300 में बेच रहा है, दो पीस बेच रहा है, 600 में 400 रुपये लागत है, 200 रुपये बचा पा रहा है। पेट्रोल वगैरह सब जो काट छाट के 2000-3000 हर दिन वो अर्न कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये अगर एक चेयर पे बचा रहे हैं तो वो दिन भर में 10 बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सुबह से लेकर के अगर शाम तक वो घूम रहे हैं बाइक से, तो घूम कर मस्ती का मस्ती तो उनको हो ही रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को सफ़र में मज़ा आता है। जैसे मुझे सफ़र में बहुत मज़ा आता है, मंजिल पर पहुँच जाने के बाद तो अपना एक मज़ा है, लेकिन जो मैं ट्रेवल करके जाता हूँ उसमें और मस्ती आता है मुझे। तो बहुत लोगों को घूम घूम कर बेचना काफ़ी मज़ेदार लगता है। तो वो मस्ती भी कर रहे थे, घूम रहे थे अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों को मिल रहे थे, और साथ में अगर वो 40-50 चेयर एक दिन में बेच दे रहे हैं तो वो 100 रुपये के हिसाब से 4-5 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं। पेट्रोल का अगर एक दिन का 500 रुपये अगर माइनस कर भी दिया जाए तो भी वो हर दिन 3500-4000 रुपये की बचत कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें दोस्तों। मैं तो देखता था गांव में जो पंजाबी जो पगड़ी वगैरह बांध करके बेचने आते थे, बहुत सारे लोग, वो लोग बहुत मुनाफा बनाए हैं कुर्सियों के पीछे, स्टूल। इसी तरीके से अगर आप आउटलेट डाल देते हैं, घूम के बेच रहे हैं तो अलग चीज़ है, अगर आउटलेट डाल देते हैं तो भी आप हर दिन 2000-3000 की कमाई तो ज़रूर कर लेंगे। 80-90 हज़ार रुपये आना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फाइबर के और भी आइटम्स हैं, उसको भी रख सकते हैं, इससे आपका कारोबार काफ़ी आगे बढ़ चलेगा, बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। आपको इसके बारे में और विचार करनी चाहिए। शुभकामनाएं मैं हमेशा आपको देता हूं। आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैंने जानता हूं कि सब्सक्राइबर किसे कहते हैं। आप मेरे दोस्त हैं, यार हैं, भाई हैं, बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सम उम्र के हैं, हम उम्र के हैं, मेरे साथी हैं, बंधु हैं, मित्र हैं। तो दोस्तों, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, उसके अलावा जो भी मेरे प्रियजन हो सकते हैं वो हैं आप। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना ही चैनल है। जो भी सुझाव है मुझे टेलीग्राम पर आइए दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए वहाँ पर आकर के।
मैं अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडिया लेकर आप तक आता रहता हूँ। दोस्तों, शुभकामनाओं के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस बिजनेस के बारे में आपको और विचार करना है, शुरू करना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।